आज हम एटेन्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो वेव गाइड है उसमें एटेन्यूशन क्या होता है और किस किस वजह से एटेन्यूशन हो सके। देखो, एटेन्यूशन का मतलब होता है कमी, और कमी कैसे हो सकती है, जो पावर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट होती है। तो उसमें जब वेव गाइड है तो उसमें किस किस वजह से पावर में क्या हो सकती है, कमी हो सकती है, उसके अपन बात करते हैं। तो एक ही केस हो सकता है जिस केस में पावर क्या हो, एटीन्यूट नहीं हो, वो है आइडियल केस। तो क्या मतलब है इसका, मतलब अगर आइडियल केस होगा तो आइडियल केस में कोई पावर का लॉस नहीं होगा, नो पावर लॉस। लेकिन अपन जानते हैं कोई भी डाइलेक्ट्रिक जो वॉल है या कंडक्टर जो बनी हुई है वेव गाइड है, वो परफेक्ट नहीं होती। तो परफेक्ट नहीं होती तो उस केस में पावर क्या हो जाएगी, लॉस होगी। तो जब पावर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसमिट करेगी तो उस केस में जो पावर लॉस है या जो एटीन्यूशन है, वो मेनली कितने टाइप का होता है, थ्री टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप, जो तीन टाइप है उसमें अपन फर्स्ट टाइप की बात करें, तो अगर जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम हो तो उस केस में भी पावर क्या होगी, एटीन्यूट होगी, या जो वेव है वो प्रोपोगेट नहीं करेगी, उसका एटीन्यूशन हो जाएगा। सेकेंड केस जो है वो है डाइलेक्ट्रिक वॉल की वजह से, डाइलेक्ट्रिक वॉल की वजह से। और थर्ड है गाइड वॉल, किसकी वजह से, गाइड वॉल। अब सबसे पहले अपने को जो एटीन्यूशन कॉन्स्टेंट है अल्फा, उसका फॉर्मूला अपने को पावर की टर्म्स में निकालना है। तो सबसे पहले अपना जो मेन पर्पज है यहाँ पर, वो क्या काम कर रहे हैं अपन, अल्फा को पावर की फॉर्म में निकालना, ये अपना काम है, एटीन्यूशन कॉन्स्टेंट, ठीक। तो देखो, देखो सबसे पहले जो गामा होता है वो होता है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, गाइड कॉन्स्टेंट। अल्फा जो होता है वो क्या होता है, एटीन्यूशन, और बीटा होता है फेज कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसकी टर्म से अपन अगर वोल्टेज और करंट की बात करें तो वी और होता है वी नॉट ई की पावर माइनस गामा जी जेड, और आई होता है आई नॉट ई की पावर माइनस गामा जी जेड। ये वोल्टेज और करंट के कॉम्प्लेक्स फॉर्म अपने को पता है, कोई भी लिख सकते हो आप, वोल्टेज और करंट की फॉर्म होती है अगर जेड डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही। अब मेरे को क्या निकालना है, एवरेज पावर, एवरेज पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द वेव गाइड। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एवरेज पावर जो वेव गाइड से क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। तो देखो, जो पावर जो वेव गाइड से ट्रांसमिट हो रही है, पी ट्रांसमिटेड, उसका फॉर्मूला होता है वी जी रियल पार्ट ऑफ वी नॉट आई नॉट, क्योंकि पावर क्या होती है, रियल पार्ट होती है, ठीक है। अब अपने को पता है इसका मैं अगर लिखूं तो वी जी रियल पार्ट वी नॉट आई नॉट, तो क्या है, वी नॉट आई नॉट ई की पावर माइनस टू गामा का मतलब एल्फा प्लस आयोटा बीटा साथ में जेड, इसके रियल पार्ट। तो वी जी वी नॉट आई नॉट और साथ में ई की पावर माइनस टू अल्फा जेड। अब मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस डी पी ट्रांसमिटेड अपॉन डी जेड लिख देता हूँ। तो ये क्या होगा, वी जी वी नॉट आई नॉट और साथ में माइनस टू अल्फा ई की पावर माइनस टू अल्फा जेड, ये होगा माइनस टू अल्फा पहले आ जाएगा, जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें ना, अब माइनस इधर ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस इधर लिख दिया ना मैंने, तो ये जो है ये क्वांटिटी, ये क्या हुआ है, पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट लेंथ, और माइनस कमी को दिखा रही है, इसका मतलब मैं इसको क्या लिख दूंगा, पी लॉस, ये टू अल्फा, और ये टर्म वापस से क्या बन गई, पावर ट्रांसमिटेड। इसका मतलब अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर लॉस डिवाइड में टू अपॉन पावर ट्रांसमिटेड, आ गया क्या समझ, ये आ गया अपना अल्फा। अब अपने को एक और पूछ लेता है कई बार वो कि क्वालिटी फैक्टर पे कैसे डिपेंड करता है, तो अपने को प्रूव करना है कि जो क्वालिटी फैक्टर है वो अल्फा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो, जो क्वालिटी फैक्टर होता है क्यू, क्वालिटी फैक्टर क्या बताता है, कितना मैक्सिमम वो आउटपुट अपने को दे रही है,
उससे अपन जस्ट किससे रिलेट करते हैं, क्वालिटी फैक्टर से। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, 2π/T इंटू एनर्जी स्टोर पर यूनिट लेंथ डिवाइड में एनर्जी लॉस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये होता है क्वालिटी फैक्टर। अब अपन अगर इसको ग्रुप वेलोसिटी के टर्म्स में लिखे, किसके टर्म्स में लिखे, ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, पावर ट्रांसमिटेड डिवाइड में पावर स्टोर पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसका मतलब मैं पावर स्टोर जो पर यूनिट लेंथ है इसको क्या लिख सकता हूँ ग्रुप वेलोसिटी के टर्म्स में, 2π/T इंटू ये हो जाएगा एनर्जी या पावर के टर्म्स में दोनों की बात करें तो पावर ट्रांसमिटेड अपॉन VG इंटू पावर लॉस पर यूनिट लेंथ। ये किसके टर्म्स में होगा फॉर्मूला, पावर के टर्म्स में, और ये भी आप एनर्जी की जगह पावर लिख लो क्योंकि अपन पावर की बात करें ना यहाँ पर, तो किसके टर्म्स में हो जाएगा फॉर्मूला, पावर के टर्म्स। अब देखो यहाँ पर ये पावर लॉस और पावर ट्रांसमिटेड में एक रिलेशन पढ़ रखा आपने, तो पावर ट्रांसमिटेड अपॉन पावर लॉस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/12। तो Q का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, 2π/T इंटू 1/VG इंटू 1/12 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। इसका मतलब Q क्या हो गया, 1/α के प्रोपोर्शनल या अल्फा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या लिख सकते, बता सकते हो आप, जो क्वालिटी फैक्टर है वेवगाइड के लिए वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटीन्यूशन कॉन्स्टेंट। क्लियर, चलो नेक्स्ट चलते अपन। नेक्स्ट अपना जो TM मोड और TE मोड है उसके लिए अपने को एटीन्यूशन की वैल्यू निकालनी है या कितना एटीन्यूशन हो रहा है उसकी वैल्यू अपन बात करेंगे। ठीक है, तो देखो